नमस्कार समाचार सुपरफास्ट साथे हूं छु तन्वी मली। बात करें तमाम महत्वपूर्ण खबरों की। पोरबंदर में गुजरात एटीएस सौथी मोटो ऑपरेशन आईएसकेपी मॉड्यूल पर्दाफाश। महिला सहित चार आरोपी ने दबोचा। चार ने पोरबंदर भेगा थवानो हतो आदेश। पोरबंदर थी बोट मार्फते अफगानिस्तान भागवानी फिराक में। वावाजोड़ा बिपोरजोय अंगे सौथी मोटा समाचार। वावाजोड़ा बिपोरजोय दरिया में ट्रेक बदलायो। गुजरात दरिया नजीक थी पसार थवानो अनुमान। तो हाल वावाझोड़ दक्षिण दक्षिण पश्चिम पोरबंदर थी 620 किलोमीटर दूर। वावाझोड़ उत्तर उत्तर पश्चिम तरफ आगे बढ़े। बिपोरजोय वधु आक्रमक बनीने आगे बढ़ रही है। तरह बंदर पर हाल भयजनक बे नंबर सिग्नल। वावाझोड़ा की असर ने लेने हवामान विभाग ने आगाही। राज्य में पांच दिवस सामान्य वरसाद की आगाही। दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थे। वीजड़ी कड़ाका भड़ाका तेज पवन साथ वरसाद। कांठा विस्तारों में बे दिवस तेज पवन फूंकाई शके। बे दिवस बाद पवन की गति में जोरदार वधारो थशे। 11मी जून थी पवन की गति कलाके 50-60 किलोमीटर की थशे। पांचमा दिवसे पवन की गति कलाके 70 किलोमीटर की थई शके। बिपोरजोय वावाझोड़ा ने लई दरिया किनारा विस्तारों ने कराया सतर्क। संघ प्रदेश दमण प्रशासन जोवा मळ्युं सतर्क। दमणना दरिया किनारे बे नंबर सिग्नल लगावाय। गीर सोमनाथ में वावाझोड़ा ने पगले तंत्र एलर्ट। दरियाकांठा विस्तार में तकेदारी वधारी। वेरावल बंदर पर बे नंबर सिग्नल लगावायू। लोगों ने दरियाकांठे न जवानी सूचना अपाई। सूरत में संभवित वावाझोड़ा ने पगले एलर्ट। सुवाली ने डुमस ब्रिज पर लोगों की अवरजवर पर प्रतिबंध। डुमस ब्रिज खाते तकेदारी वधारवामां आवी। आज थी 12 जून सुधी ब्रिज पर प्रतिबंध। वावाझोड़ा ने लईने सूरत पुलिस कमिश्नरे अजय तोमरनुं जाहेरनामुं। शहेरना सुवाली ने डुमस बीच पर लोकोनी अवरजवर प्रतिबंध करायो। त्यारे आजथी लई 13मी जून सुधी बंने बीच पर लोकोमां प्रवेश प्रतिबंध। बिपोरजोय वावाझोड़ा ने लईने सूरत जिला वहीवटतंत्र एलर्ट। त्यारे ज्यां सुधी तोफान चढ़े नहीं त्यां सुधी अधिकारीओने हेडक्वार्टर न छोड़वानो आदेश। एसडीआरएफनी एक टीम एलर्ट राखी। त्यारे कांठाना 42 गामों पर राखी छे चांपती नजर। बिपोरजोय वावाझोड़ा सामे कोस्टगार्ड जवानों सज्ज। शीप एरक्राफ्ट रडार स्टेशन साथ कोस्टगार्ड जवानों सज्ज। थे आईसीजी शीप और एरक्राफ्ट की तैयारी कराई। बिपोरजोय वावाझोड़ा ने लीने अमरेली फायर विभाग एक्शन मोड में आयो। तरह फायर विभाग की 30 कर्मचारी ने टीम तैनात। तमाम कर्मचारियों ने रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग अपाई। द्वारका में आवेला टापू पर तंत्र द्वारा लोगों की अवरजवर पर रोक। 21 टापू पर कलेक्टरे बहार पड़ी जाहिरनामू। 21 जेटला निर्जन टापू पर तंत्रे ऑगस्ट सुधी रोक लगा। द्वारका दरिया में बिपोरजोय वावाझोड़ा में करंट जेना कारण तंत्र द्वारा गोमती घाट तेमज आसपास विस्तार में नहावा माटे मनाई। बे दिवस पहला नहावा पड़ेला युवक नु थयुं हतुं मौत। बिपोरजोय वावाझोड़ा की असर वच्चे कच्छनो मांडवी बीच प्रवासी माटे करायो बंद। आगामी 4 दिवस सुधी बीच पर प्रवासी प्रवेश पर प्रतिबंध। बीचना मार्ग पर पुलिस बंदोबस्त गोठवाया। बिपोरजोय वावाझोड़ा की असर ने लेने जूनागढ़ मांगरोल में सावचेती पगले लेवाय। मांगरोल में लाउडस्पीकर थी लोगों ने कराया सचेत। लाउडस्पीकर थी लोगों ने तकदारी अंगे माहिती अपाई। बिपोरजोय वावाझोड़ा की असर गुजरात में शुरू। वावाझोड़ा की असर थी वहीवट तंत्र सज्ज। 3 जिला में एनडीआरएफ की 3 टीम तैनात। पोरबंदर गीर सोमनाथ वलसाड में टीम तैनात कराई। बिपोरजोय वावाझोड़ा ने लईने तंत्र एक्शन में वडोदरा में जरोद पास एनडीआरएफ हेडक्वार्टर की 2 टीमों रवाना थी। पोरबंदर और गीर सोमनाथ में एनडीआरएफ की टीम मोकलाई। गांधीनगर थी वलसाड पर एनडीआरएफ की टीम मोकलाई। बिपोरजोय वावाझोड़ा की गुजरात में असर शुरू। अमदावाद वातावरण में आयो पलटो। सवार से वादळछायु वातावरण। संभवित वावाझोड़ा संकट वच्चे वादळों घेराया। अमदावाद में भारे पवन साथ वरसाद। वावाझोड़ा ने लईने अंबलाल पटेल की आगाही। 11 जून थी प्रबल बनशे बिपोरजोय वावाझोड़ू। 220 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकावानी पड़ शक्यता। तेरे सौराष्ट्र और कच्छना विस्तार में पड़शे वरसाद। अंबलाल मते 17-19 जून वच्चे पड़शे भारे वरसाद। सौराष्ट्र और दक्षिण विस्तार में थंडरस्टॉर्म ने कारण वरसाद पड़वानुं अनुमान। वीजड़ी कड़ाका भड़ाका साथ वरसाद पड़वानी आगाही करी। 22-25 जून में राज्य में चौमासु बेसे। तेरे अंबलाल की आगाही प्रमाण 20 जुलाई आसपास फरी आवशे वरसाद। ऑक्टोबर आसपास वावाझोड़ा की शक्यता रहेवानी पण आगाही कराई। तो वरसाद ने लईने पण अंबलाल पटेल की आगाही। 21 जूने बंगाळी खाड़ी में हवानुं दबाण सर्जाता सक्रिय थशे वरसादी सिस्टम। 1 जुलाईए पण बंगाळी खाड़ी में दबाण सर्जाता वरसादी सिस्टम सक्रिय थशे। संभवित वावाझोड़ा ने लईने नवसारी में तंत्र एलर्ट। दांडी और उभराट दरिया किनारो सेलानीओ माटे बंद करायो। दरियाकांठे चुस्त पुलिस बंदोबस्त गोठवाशे। त्यारे 10-12 जून सुधी वावाझोड़ा की असर पगले निर्णय लेवाशे।
વલસાડમાં તીથલના દરિયા કિનારાને 8 થી 14 જૂન સુધી બંધ રાખવાની તંત્રની તૈયારી. સલામતીના ભાગરૂપે શનિ રવિના દિવસે તીથલ બીચ સહેલાણીઓ માટે બંધ રહેશે, ત્યારે દરિયાકાંઠાના 28 ગામોને પણ સતર્ક કરાયા. વાવાઝોડાને લઈને અમરેલીનું તંત્ર એલર્ટ. જિલ્લા કલેક્ટરે કોસ્ટલના અધિકારીઓ સાથે યોજી બેઠક. કોસ્ટગાર્ડ, રેવન્યુ, પોલીસ અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા. દરિયાકાંઠા પર તૈયારીની સમીક્ષા કરાઈ. વિપર્જોય વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી પોરબંદરના દરિયાકાંઠે. છેલ્લા 2 દિવસથી દરિયામાં કરંટ સાથે ઉછળી રહ્યા છે ઊંચા ઊંચા. બંદર પર પણ નંબર 2નું સિગ્નલ લગાવ્યું. યથાવત રાખી તંત્ર દ્વારા સ્થિતિ પર રખાઈ રહી છે ચાંપતી. વાવાઝોડાને લઈને રો રો ફેરી સેવા બંધ કરાઈ, ત્યારે 11 અને 12 જૂને ફેરી સેવા બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો. બિપોરજોયના પગલે દરિયામાં જોવા મળી રહ્યો છે કરંટ. વાવાઝોડાના કારણે ગીર સોમનાથમાં મકાનો ધરાશાયી થવાનો ડર. દ્વારકા, સૈયદ રાજપરા, ધામળેશ અને માઢવાડ ગામ દ્વારા તંત્ર કામગીરીને લઈને ઊણું ઉતર્યું હોય તેવો આક્ષેપ. ત્યારે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવી આપવાની પણ માંગણી. મોરબી મચ્છુ 3 ડેમનું લેવલ જાળવવા માટે 1 દરવાજો 2 ફૂટ ખોલાયો. મચ્છુ 3 ડેમમાંથી 1,823 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. મચ્છુ 3 ડેમ હાલ 89.75% ભરેલો. રાજ્યમાં 5 દિવસ રહેશે વરસાદી માહોલ. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ સહિત વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી. ઉપરાંત રાજ્યમાં થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી રહેવાની પણ સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ. 5 દિવસ પવનની ગતિમાં નોંધાશે વધારો. 2 દિવસ 35 થી 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ફૂંકાશે તેજ પવન, જ્યારે 5મા દિવસે 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી. વાવાઝોડાના કારણે પવનની દિશા બદલાતા વરસાદ વરસી શકે, ત્યારે ઉપરાંત બિપોરજોયની અસરને પગલે અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલની શક્યતા. છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની પણ આગાહી. તો આઈએમડી અનુસાર ચોમાસું દક્ષિણથી આગળ વધીને 10 જૂન સુધીમાં મહારાષ્ટ્ર પહોંચશે. ત્યારબાદ પૂર્વોત્તર રાજ્યોને આવરી લેતા તે પશ્ચિમ બંગાળથી બિહાર તરફ જશે. 15 જૂન સુધીમાં મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને સમગ્ર બિહારમાં વરસાદ શરૂ થશે. મુંબઈમાં ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા માછીમારોએ તેમની બોટ દરિયા કિનારે બાંધી દીધી. વરસાદના કારણે ખલાસીઓ આગામી 2 મહિના સુધી દરિયાથી દૂર રહેશે. બિહારના અનેક જિલ્લામાં ભીષણ ગરમી, કાળઝાળ ગરમીથી લોકો પરેશાન. તડકાના કારણે અનેક વાહન ચાલકો પરેશાન. ઉત્તરાખંડમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર યથાવત. વરસાદ સાથે સતત ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ સામે આવી, જેની અસર ચારધામ યાત્રા અને હેમકુંડ સાહિબ યાત્રા પર પડી. હવામાન વિભાગે આગામી 4 દિવસ યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું. ઉત્તરાખંડના હેમકુંડ સાહિબમાં હિમપ્રપાતનો વીડિયો સામે આવ્યો. બરફનો પહાડ અચાનક ધસી પડ્યો. ગત અઠવાડિયે થયો હતો હિમપ્રપાત. 6 લોકો ફસાયા હતા, જેમાં 5ને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા. શિલોંગમાં પડેલા મુશળધાર વરસાદથી ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા. અનેક વિસ્તારોમાં ગળાડૂબ પાણી ભરાયા, તો કેટલાક વાહનો પાણીમાં તરતા દેખાયા. રસ્તા ઉપર નદી વહેતી થઈ તેવા દ્રશ્યો પણ સર્જાયા, જ્યારે શહેરીજનોને ભારે હાલાકી વેઠવાનું પડ્યું. કાનપુરમાં હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કર્યું. વાતાવરણમાં બદલાવને કારણે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું. દેશના કેટલાક રાજ્યમાં ચોમાસાએ દસ્તક દઈ દીધી છે, ત્યારે ગુવાહાટીમાં ભારે વરસાદ પડ્યો. ધોધમાર વરસાદના પગલે રોડ પર નદીઓ વહી, તો રોડ પર પાણી ભરાઈ ગયા. તો કોચી શહેરમાં વરસાદનું આગમન. શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં હળવા વરસાદથી લોકોને ગરમીથી મળ્યો છુટકારો. આ તરફ કેરળના કોઝિકોડ શહેરમાં પણ વરસાદ પડ્યો. ભારે ગરમી અને બફારા બાદ વરસાદથી લોકોને મળી રાહત. રોડ થયા ભીના. બિહારમાં 13 થી 15 જૂન સુધીમાં બેસી જશે ચોમાસું. લોકોને પ્રચંડ ગરમીથી મળશે રાહત. છેલ્લા કેટલાય દિવસ સુધી ગરમીનો પારો 43ને પાર, જેના કારણે લોકો ગરમીથી ઉભરાયા. કેદારનાથ ધામથી 3 કિલોમીટર દૂર થયું હિમસ્ખલન. હિમસ્ખલનના કારણે લોકોમાં ભય. કોઈ પણ જાનહાનિ નહીં. બિપોરજોય વાવાઝોડાની અસરને લઈને વરસાદની શક્યતા, જેના ભાગરૂપે જામનગર હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યાથી જણસની આવક બંધ કરાશે. ખેડૂતોના પાકને નુકસાન ન થાય તે માટે નિર્ણય લેવાયો. ગુજરાત પર જોવા મળી વાવાઝોડાની અસર. જૂનાગઢમાં રોપવે સેવા બંધ કરાઈ, તેમજ પવનના કારણે રોપવે સેવા બંધ કરાઈ. તો હાલ પર્વત પર 80 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન. ગિરનાર પર્વત પર ભારે પવન. દાહોદના દેવગઢ બારિયામાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ એક્શન મોડમાં નાસ્તા અને ફરસાનની દુકાનમાં પાડ્યા દરોડા. 21 દુકાનમાં લેવાયું ખાદ્ય પદાર્થના અલગ અલગ નમૂના. 9 દુકાનમાંથી એક્સપાયર ડેટ થયેલો સામાન મળી આવ્યો, ત્યારે દુકાનદારો પાસેથી ₹7,000 દંડ વસૂલાયો. જામનગરમાં વર્ધન ચોક વિસ્તારમાં સતત બીજા દિવસે ડિમોલિશન પર બુલડોઝર સાથે મનપાની ટીમ પોલીસ કાફલા સાથે પહોંચી, ત્યારે કેટલાક દબાણકારોએ જાતે દબાણ
दूर कर। अमित शाह ने सीआर पाटिल पाटण की मुलाकाते मोदी सरकार ना नौ वर्ष पूर्ण थवाने अवसर पर उजवणी, तेरे भाजप सरकार नु संपर्क थे समर्थन अभियान सिद्धपुर गोवर्धन पार्क में संबोधित सभा। बनासकांठा मेहमान बनशे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, मोदी सरकार नौ वर्ष पूर्ण थवाने अवसरे उजवणी, तेरे थराद मार्केटयार्ड में सीएम जाहिर सभा संबोधित। राज्य 22 सिटी सिविक सेंटर करते लोकार्पण, रामपुरा सर्कल ग्राउंड खाते योजा जाहिर सभा। राज्यमां शाळा प्रवेशोत्सव की तैयारी ने आखरी ओप, आगामी 12-14 जून सुधी शाळा प्रवेशोत्सव, राज्य मंत्री अलग अलग जिल्ला में जई कार्यक्रम में आपशे हाजरी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भावनगर थी कार्यक्रम की शुरुआत कराशे। अमदावाद हाटकेश्वर ब्रिज नो मुद्दों फरी विवाद में, कांग्रेसे ब्रिज पर बेनरो लगावी नोंधाव्यो विरोध। हाटकेश्वर ब्रिज एटले एमसी ना भ्रष्टाचार नो नमूनो, तेवा बेनर लगावेला जोवा मळ्या। बनासकांठामां न्यू पालनपुरना रहीशो हाईवे पर पाणी भरवानी समस्याथी परेशान, नेशनल हाईवे पर चक्काजाम करवानी चीमकी आपी, अनेकवार रजूआत छतां कोई कामगीरी न कराता स्थानिको परेशान। तो गायक कलाकार गीता रबारीना लोक डायरामां मुंबईमां आयोजन, त्यारे लोकोए कर्यो छलनी नोटोनो वरसाद, गौशाळाना लाभार्थी लोक डायरानुं आयोजन थयुं हतुं। नवसारीना चेखलीना पीपण गभाण गामे सरकारी प्राथमिक शाळाना संचालकोनी बेदरकारी, बाळकोने अपाता मध्याहन भोजनमां नीकळी घरोळी, बाळकोने भोजन लेवा न देता पण कोई जानहानी नहीं, त्यारे जिल्ला प्राथमिक शिक्षण विभागे तपास शुरू। गुजरात कांग्रेसनी कमान शक्तिसिंह गोहिलने सौंपाई, शक्तिसिंह गोहिल बन्या गुजरात प्रदेश कांग्रेसना नवा प्रमुख, राज्यसभाना सांसद मळशे शक्तिसिंह गोहिल। गुजरात विधानसभा विपक्ष नेता अमित चावड़ाए पाठव्या अभिनंदन, राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने अध्यक्ष बनावा बदल पाठवी शुभकामनाओं, कहूं कि संगठन ने मजबूत बनावी गुजरात की जनता ने हकनी लड़तनी बनावी शुभ। सूरत में महिला साथ बलात्कार प्रयास, सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा साथी कांस्टेबल की पत्नी पर दुष्कर्म प्रयास, महिला की फरियाद आधार वेद प्रकाश की धरपकड़ कराई। राजकोटना ग्राम्य पंथक में स्टेट मॉनिटरिंग सेल दरोड़ा, पड़घरी पास की भेड़सड़ युक्त डीजल झड़पायु, छ आरोपी झड़पाया, त्रण की शोधखोल शुरू, तेरे कुल 67,92,000 मुद्दामाल जप्त कराया। महिसागर की होटल में दाल बाटी खावा बाबते थयेली मारामारी में एकनु मौत, लीमड़िया गाम की होटल में मारामारी थता 40 वर्षीय व्यक्ति सर्वर दरमियान मौत। अमरेली लुणासपुरा में कूवा में नहावा पड़ेला बे बाळकोना मौत, पितराई भाई अवावरू कूवा में पड़ा था नहावा, स्थानिकोए बन्नेना मृतदेहोने बहार काढ़ी पीएम अर्थे होस्पिटल खसेड़ा। जूनागढ़ में ट्रेक्टर में सामान पड़ता बाळकनुं मौत, त्यारे 5 वर्षनो बाळक ट्रेक्टर नजीक रमी रह्यो हतो, एकाएक ट्रेक्टर चालू थता ट्रेक्टर में रहेलो सामान बाळक पर पड़ता तेनुं मौत थयुं छे। तो सूरत में पांडेसरना सिद्धार्थनगर में युवक की हत्या, मृतक मूल ओरिस्सानो वतनी, झगड़ा बाद अदावत राखी करी युवक की हत्या, समग्र मामले पुलिस घटनास्थले पहुंची कार्यवाही हाथ धरी। सूरत में हनी ट्रैप में फसावी रूपया पड़ावती गैंग झड़पाई, पुलिस तरीके खोटी ओळख आपीने ईसमोनु अपहरण करी पड़ावती हती पैसा, पुलिस 11 आरोपी ने झड़पी पड़ा, कुल 5,26,000 नो मुद्दामाल जप्त। पंचमहाल बिलीथी गामना खेडूतोए कर्यो बाजरीना बियारण में छेतरपिंडीनो आरोप, भोग बननार खेडूते 3,900 की किंमतना बियारण लीधा था 6 पैकेट, दुकानदारे योग्य प्रतिसाद न आपता फरियाद नोंधावी। आणंदना उमरेठ में अभद्र इशारा करता युवक युवती झड़पाया, तेरे आसपास लोग ने नजर पड़ता युवक और युवती ने भगाड़िया, युवक युवती वीडियो वायरल थयो। बनासकांठा में डीसा राधनपुर हाईवे पर अजाण्या वाहन की टक्कर, राहदारी नु मौत, पुलिस घटनास्थले पहुंची, समग्र घटना ने लई पुलिस तपास शुरू करी। अमदावाद में वस्त्राल मेट्रो स्टेशन पास कार नो अकस्मात, मेट्रो पिलर साथ अथड़ाई कार में सवार लोगों आवत बचाव। तो अमदावाद में वस्त्राल रिंग रोड पर हिट एंड रन की घटना, अजाण्य वाहन चालके अड़फेट लेता एकनु मौत, घटनानी जाण थता पुलिस घटनास्थले पहुंची, अकस्मात अंगे पुलिस तपास शुरू करी। अमरेली की होटल में लागी भीषण आग, ठाकरथाल होटल में आग लगता अफरातफरी माहौल, फायर विभागे 200 लोगों रेस्क्यू कर्यु, लिफ्ट में फसायेला 4 लोगों ने सलामत बहार काढ्या, शोर्ट सर्किट ने कारण आग लागी होवानु अनुमान। गुजरात में चौमासु बेसवा की तैयारी, राज्य में कलेक्टर प्रीमोन्सून कामगीरी की करी समीक्षा, राजकोट में डिजास्टर मैनेजमेंट साथ संकड़ेला अधिकारी साथ बैठक योजी, एनडीआरएफ की टीम राजकोट में स्टेडबाय रखाशे। सौराष्ट्र में योजना लोकमेला ने लई तंत्र तैयारी शुरू करी, तंत्र द्वारा लोकमेला शीर्षक ने ली, आगामी 18 जून सुधी शहरीजनों ने शीर्षक मोकलवा अपील करी, तो मेला ने लईने 19 समिति बनावाई। वलसाड में एक सोसायटी नजीक दीपड़ो दिखाता स्थानिकों में भयनो माहौल, व्यापीना ग्राम्य विस्तार में अनेक वक्त दीपड़ा आटा फेरा,
दीपड़ा लटार मारत वीडियो सामने आया। पहली जुलाई शुरू होते अमरनाथ यात्रा, तीर्थयात्रियों उधमपुर तंत्र तरफ से कराश सुविधा, तीर्थयात्रियों को आवास पर साफ सफाई साथ तमाम सुविधाओं मिलेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा मुद्दे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एलसी मनोज सिन्हा और अधिकारियों साथ बैठक कर यात्रा की सुरक्षा माटे पेरामिलिट्री फोर्स के साथ रेपिड एक्शन फोर्स तैनात कराश। रात्रि पर जम्मू और श्रीनगर वच्चे फ्लाइट चालू रहेशे। कठुआ में स्पालवा खेतरो में मिलू पीआईए नु एमिरेट्स लखेलू बलून, तेरे हीरानगर सरहदी विस्तार मामलो पुलिस से जप्त कर तपास शुरू कर। भारतीय कुश्ती संघ ना पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे खिलाड़ियों रमत थी दूर, हवे खिलाड़ियों रमत में परत फरवानु कही रहा है। त्रण महीना बाद थनारी एशियन गेम्स में भाग लेवानी पहलवानोनी इच्छा। छत्तीसगढ़ में राजकीय प्रहार, सीएम भूपेश बघेल ने लोक प्रेम थी काका कहे छे, त्यारे परंतु केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहू कि ते काका नहीं खाका छे। भूपेश बघेले गिरिराज सिंह निवेदन ने जनता नु अपमान किया। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड, तेरे 371 नवा जावाजों की पासिंग परेड, मैत्री देशों में 42 कैडेट्स मिलया, सेना प्रमुखे परेड की सलामी ली। विपक्षी गठबंधन पर अपाई रही है जोर, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती गांधीजी भारत ने कोईपण रीते बचावा विरोधी जूथ साथ हाथ मिला घोषणा करी। वाहनों चलावनारों माटे योगी सरकार की मोटी भेट, पहली जानुआरी 2017 और 31 डिसेम्बर 2021 वच्चे फटकारवामां आवेलो दंड रद्द करायो। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जीभ लथड़ी, कहू कि गोडसे भारत ना सपूत, भारत में अजमो थयो होवानु कहू, औरंगजेब और बाबर जेवा नहोता। भोपाल में एचयूटी 6 आतंकियों ने एनआईए करी पूछपरछ, त्यारे जेल में ऑफिस लाने करू हतु क्रॉस चेकिंग, एमपी शहरों में ब्लास्ट प्लान। रांची में आतीकाल वंदे भारत ट्रेन की ट्रायल, तेरे रांची थी पटना वच्चे चलनारी आ वंदे भारत ट्रेन ने लईने आशा वधी, सवारे 6:55 उपड़ेली ट्रेन बपोरे 1 वागे रांची पहुंचे, झारखंड बिहार की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस हे। जाकिर नाइक ने लईने मोटो खुलासो, अनेक एवी वेबसाइट बनावी कि जे रूट बदली भारत में बतावामां आवे छे। जाकिर नाइके फॉलोअर्स ने मेंटेन राखवा माटे कर्या नवा पैंतरा, जेनी मदद थी तेने मळे छे डोनेशन। अमदावादनी साइबर सेली जाकिरना नेटवर्क पर नजर। तो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट केस में राज्य सरकार ने मिली राहत, सेशन्स कोर्टे बॉम्ब ब्लास्ट आरोपी सलमान की जामीन अर्जी फगावी, हाईकोर्ट थी अन्य आरोपी ने निर्दोष छोड़ावाना आदेश बाद अर्जी करी हती। मध्यप्रदेश खेजड़िया गाम में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्र की कथा में मुस्लिम समाज सामिल थया, बोहरा समाज गला में जय श्रीराम ने दुपट्टा पर नाख्या, तरह धीरेन्द्र शास्त्री बोहरा समाज वखाण कर राष्ट्रवाद। बागेश्वरना धीरेन्द्र शास्त्री फरीथी निशाने आया, पंडोखर सरकारे धीरेन्द्र शास्त्री पर निशान साध्य, शंकराचार्य तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भाजपा प्रचारक कहा। वाराणसी लोगों ने जल्दी थी एक वधु एक भेट, गंगा की लहरों पर जल्दी थी तरसे वॉटर टैक्सी, रामनगर की नमो घाट सुधी वॉटर टैक्सी चलते। हापुड़ में मंदिर परिसर में नमाज पढ़वा मामलो, पुलिस अनवर नामना व्यक्ति की धरपकड़ कर, आरोपीए कहू कि द्वेष और दुर्भावना विना मंदिर गयो हतो, मारा माटे मंदिर और मस्जिद एक समय। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाणा नक्सलियों सुरक्षा दलों की करे जासूसी, जे अंतर्गत बस्तर में सक्रिय नक्सली संगठनों पास 10 ड्रोन, तेरे सुकमा बीजापुर और नारायणपुर में सुरक्षा दलों केम्प नजीक घनी वक्त ड्रोन जो। मुंबई ना मीरा रोड हत्या केस में नवा खुलासा, हत्या बाद 2 दिवस पछी सरकारे राशन की दुकान पर गयो हतो मनोज, आरोपी लगभग 1 कलाक सुधी हतो राशन की दुकान पर, मनोज टेन्शन में होवानो दुकानदार नो दावो। उत्तराखंड में लव जिहाद नो वधु एक किस्सो सामे आव्यो, रामनगर में सगीरा ने भगाड़ी ने लई गयेला आरोपी की धरपकड़, देहरादून की जोहड़ी गाम में विधर में पकड़ायो। गेमिंग एप थी धर्मांतरण साथ जोड़ायेला मामले सामे आव्यो, महाराष्ट्र वसई में रहता परिवारे नोंधावी फरियाद, मामले आरोपी शहनवाज हजू फरार। मध्यप्रदेश दमोह में गंगा जमुना स्कूल केस में मोटी कार्यवाही, जिला शिक्षण अधिकारी की बदली, तरह धर्म परिवर्तन आरोपों वच्चे शाला और मस्जिद वच्चे गुप्त मार्ग एक वीडियो वायरल थयो। मध्यप्रदेश जबलपुर में बेसबॉल की नेशनल प्लेयर की आत्महत्या मामले मोटो खुलासो, परिवार लव जिहाद आरोप लगवा, पुलिस से अब्दुल मंसूर ने करी धरपकड़।
औरंगजेब विवाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष पर साधु निशान अगौनी सरकार पर खोटो इतिहास भणावा आरोप लगवा कहू कि भारत ने इतिहास की साची जानकारी नहीं आप मणिपुर हिंसा की तपास सीबीआई एसआईटी की रचना की सूत्रों मुजब छ फरियाद नोधा मणिपुर हिंसा में 100 लोग न थे मौत जारी 300 लोग घायल थे। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में पंचायत चूंटनी दरमियान हंगामो अनेक राउंड फायरिंग करायो गोली वागवा एक व्यक्ति मौत जारी 10 लोग घायल थे। झारखंड में गैरकायदेसर खनन दरमियान मोटी दुर्घटना चाली धसी पड़ता 3 मजूरों थे मौत अनेक लोग नीचे दबाया होने आशंका रेस्क्यू टीम घटनास्थले पहुंची। कर्नाटक की शालाओं में अभ्यासक्रम में हेड गेवार अध्याय ने हटावशे तरह कर्नाटक मंत्री और धारासभ्य हेड गेवार पर विवादास्पद निवेदन भाजप कहू कि आज कांग्रेस की असहिष्णुता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने जानथी मारी नाखवा की धमकी मिली व्हाट्सएप पर आरोपीए धमकी आपी तरह कार्यवाही में पुलिस कमिश्नर ने मिली सुप्रिया सुले। जीवा हत्याकांड मामले हरिद्वार जेल में बंद सुनील राठी की पूछपरछ यूपी सरकारे करी पूछपरछ राठी और जीवा वच्चे दुश्मनी होवानो खुलासो। तो राम जन्मभूमि अयोध्या में लेजर शो नु आयोजन राम कहानी साथ प्रदर्शित थता आ लेजर शो ने जोवा माटे मोटी संख्या में लोग एकठा थया रात्रो लेजर शो योजाता सर्जा अद्भुत दृश्य। दिल्ली में बैटरी वेरहाउस में लागी भीषण आग फायर विभाग घटनास्थल पर पहुंचो भारी जहमत बाद आग पर काबू करवामां आवी तरह हजू कोई जानहानिना समाचार सामे नथी आव्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखीए कर्या सिद्धि विनायक दर्शन दिल्ली स्थित सरोजिनी नगर में आवेला सिद्धि विनायक मंदिर में बन्ने मंत्रीओ दर्शन कर्या। चेन्नई में वीसीके नो सरकार नो निर्णय सामे विरोध यथावत मंदिर में पूजा करवाना अधिकार ने लईने विरोध हजू पण यथावत तमिल सरकार सामे नो विरोध करवा मोटी संख्या में लोग एकठा थया। दुधवा में वाघना मौत मामले सीएम ना कड़क वलण बाद वन विभाग की मोटी कार्यवाही वन अधिकारी संरक्षक सुनील चौधरी ने हटा आया वर्षो थी रहे रेन्जरो की भूमिका ने चकासवा। यूपी बाराबंकी में डीजे पर डांस करने लईने बे वरघोड़ा ने जनैयाओं वच्चे घर्षण थयु बन्ने पक्षे जोरदार ईंट पत्थरों ने लाकड़ी थी हुमलो कर्यो घटनानो वीडियो वायरल। ग्वालियर में प्रख्यात डाकू रामबुबा गडरिया जाहिर में महिमा देवी अहल्याबाई होलकर की शोभायात्रा में युवाओं हाथ में पोस्टर जोवा मळ्या भीतरवार में 3 दिवस पहला योजाई थी रही। वागरा में महिलाएं पोताना पति पर लगाव्या गंभीर आरोप समग्र विस्तार में अश्लील पोस्टर चोटवानो तथा मारपीटनो पण अने अन्य लोगों साथे संबंध बनावानो आरोप लगाव्यो पोलीसे गुनो नोंधी तपास हाथ धरी। झारखंड खूंटी पुटू सटोली पास जंगली हाथी एक व्यक्ति ने कचड़ियों सूचना मब्या बाद वन विभाग की टीम घटनास्थले पहुंची मृतक परिवार ने मदद करी। उत्तराखंड रामनगर में सीतावनी रोड पर अचानक आयु हाथियों टोल हाथी ने जोई वाहन चालक जीव बचाई भाग्या हाथी वरसाद। उत्तर प्रदेश में विधर्मी युवक पर हिंदू युवती ने भगाड़ी लई जवा आरोप हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं युवती ने पाछी लावा की मांग एक महीना बाद युवती ने कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश बलरामपुर की नचोरी ग्राम पंचायत में लागी आग अंदाजे 35 मकानों वड़ी ने खाक था फायर ब्रिगेडे आग पर काबू मेळव्यो। बिहार पूर्णिया में 50 घर बड़ी ने खाक थया मड़वा गाम में रसोई बनावता समय सिलिंडर ब्लास्ट होता आग लागी तो भारी जमत बाद आग पर काबू मेळवायो ग्रामजन तंत्र समक्ष लगावी मदद की गुहार। डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत नो टॉप ऑर्डर फेल थयो रस्ता में सस्ता में आउट थया इंडिया बेट्समैन रोहित 15 तेरे गिल 13 और विराट 14 रन बनाने आउट थया। डब्ल्यूटीसी फाइनल की मैच में प्रथम दाव में भारते 296 रन बनाया भारत तरफ सौथी वधु रन रहाणे बनाया तेरे शार्दुल ठाकुरे 51 और जाडेजाए 48 रन बनाया। मेस्सी और पीएसजी क्लब वच्चे अणबनावना समाचार मेस्सी पर क्लबे 2 सप्ताह सऊदी अरेबिया प्रवास पर लगवाया तो प्रतिबंध मेस्सीए क्लब की माफी मांगी। लियोनल मेस्सी अमेरिका की फूटबॉल लीग मेजर लीग सोकर की टीम इंटर मियामी में शामिल होते तो मेस्सीए पोते आ बात की पुष्टि करी फ्रांस क्लब पेरिस सेंट जर्मन साथ मेस्सी करार 30 जून समाप्त होते। तो आ साथ हाल समाचार सुपरफास्ट में बस आटलू बधु समाचार ने मिनिट माटे आप जोता रहो न्यूज़ एट गुजराती नमस्कार।